चलिए बच्चों, आज आप लोगों से हम कुछ वाक्य बनवाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले गरिमा, आप एक वाक्य बनाइए। सोहन अच्छा लड़का है। और अब इसका बहुवचन क्या होगा, कौन बताएगा? सोहन की जगह कोई और भी आप शब्द कर सकते हैं, क्या करेंगे आप? मैम, हम अच्छे बच्चे हैं। हम सब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, आप कोई वाक्य बनाइए। खरगोश तेज दौड़ता है। आप? हम सब तेज दौड़ते हैं। अच्छा, हम सब तेज दौड़ते हैं, ये तो सही बनाया है इन्होंने। तो अब ये बताइए, ये जो तेज दौड़ता है खरगोश, इसमें यहाँ पे तेज में फर्क क्यों नहीं आया, तेज शब्द में क्यों नहीं अंतर आया? जबकि पहले जब गरिमा से आपने जब इसका बहुवचन बनाया था, अच्छा से क्या हो गया था? अच्छे। और यहाँ पर क्या हुआ? तेज का तेज ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो अब इसमें इस एक वाक्य बताइए, ये एक लड़का है, ठीक है? इसमें लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है, ठीक है। और इस वाक्य की क्रिया क्या है? है, ठीक है। और यह क्या है? लिंग। ये जो है, ये शब्द क्या होता है? ये बहुवचन। ये बहुवचन है, किस चीज का बहुवचन है? ये है सर्वनाम, ठीक है ना। तो यह से ये हो जाता है, ठीक है। लड़का से क्या हो गया? लड़के। और है से क्या हो गया? है। यानी बहुवचन बनाने में सब में परिवर्तन हो गया ना। अच्छा, अब इसी तरह मान लीजिए लड़का से अगर हम लिंग बदलने को कहें और लिंग बदल के वाक्य बनाइए, तो क्या बनेगा वाक्य? लड़की। तो पूरा वाक्य बनाइए। लड़की काम कर रही है। तो लड़का से क्या हो गया? लड़की, ठीक है। तो यानी एक शब्द लिंग की वजह से भी बदल सकता है। और रहा है से क्या हो गया? रही है, यानी क्रिया भी बदल गई लिंग की वजह से। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब की वजह से बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द। विकारी का मतलब क्या हुआ? विकारी शब्द जिसमें बदलाव आ जाए। यानी विकारी वो शब्द हुए जिसमें किसी भी कारण से कोई ना कोई परिवर्तन होता है। जैसे अगर हमने बोला कि बच्चा है, तो हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? बच्चे। तो जोर से बोलिए, क्या हो जाएगा? बच्चे। अच्छा, और अगर हमने लड़का कहा, तो उसका अगर हमने कहा लिंग बदलना है, तो क्या हो जाएगा? लड़के। लड़की हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। तो ये तो पता है ना, यानी ये ऐसे शब्द हैं कुछ जिनमें हम किसी वजह से, यानी लिंग वचन कारक के कारण उसमें बदलाव हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। अब देखो, कुछ हम लोग उदाहरण लेते हैं। अब ये बताइए, ये क्या बना हुआ है? घर। चलो, आप एक घर पर वाक्य बनाओ। वाक्य, ये एक घर है। अच्छा, अब इसका बहुवचन रूप बनाइए। बहुत सारे घर हैं। ये सब घर हैं। ये सब घर, ठीक है। यह एक घर है, उसका बहुवचन क्या हुआ? ये सब घर हैं, ठीक है। यानी यह से क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। और है से क्या हो गया? है। तो यानी यहाँ पर रूप बदला ना, यह से क्या हो गया? ये। यानी सर्वनाम भी ऐसा है जो वचन के कारण रूप बदल लेता है। अब हमें ये बताएंगे गरिमा, ये क्या बना है? खरगोश। क्या है ये? खरगोश। अब खरगोश पर वाक्य कौन बनाएगा? मैं। चलो, अभी किसने नहीं बनाया? प्रथा ने नहीं बनाया, मुझे नहीं बनाया। खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ता है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? खरगोश। अच्छा, और इस वाक्य की क्रिया क्या है? दौड़ता है, ठीक है। क्रिया क्या है? दौड़ता है। अच्छा, ये बताओ, ये कौन कैसे दौड़ता है? खरगोश। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, ठीक है। तो ये जो तेज है, ये किसकी विशेषता बता रहा है?
खरगोश की दौड़ता है, यानी कैसे दौड़ता है वो, तेज दौड़ता है। तो वो किस तरह दौड़ता है इसकी विशेषता बता रहे हैं हम कि ये खरगोश तेज दौड़ता है। तो तेज किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की, ठीक है। और ये भी एक अविकारी शब्द है, यानी अगर हम कहें सब खरगोश तेज दौड़ते हैं या खरगोश तेज दौड़ते हैं तब भी वो यही रहेगा, और खरगोश तेज दौड़ता है तब भी वो यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या जानेंगे, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। हाथी धीरे धीरे चल रहा है, मानिए हमने ये बोल दिया, ये क्या बना हुआ है, हाथी, और हाथी तो धीरे धीरे चलता है ना, कैसे चलता है, धीरे धीरे, ठीक है। अब अगर इसका लिंग बदल के वाक्य बनाना हो तो क्या बनेगा, हथनी नहीं सुनी है, कैसे हो गया, हथनी धीरे धीरे चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हाथी से हथनी यानी लिंग बदल गया, लेकिन यानी संज्ञा शब्द है हाथी, उसका लिंग बदला तो हथनी हो गया, चल रहा है उसमें जब लिंग का परिवर्तन आया तो क्या हो गया, चल रही है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे शब्द में परिवर्तन आया नहीं आया, ठीक है। यानी यहाँ पर भी क्या पता चला कि लिंग के बदलने पर भी ये शब्द नहीं बदलते, यानी जो अविकारी शब्द होते हैं उन पर लिंग के बदलने का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा है, ये क्या बना हुआ है, कुत्ता। अब हमने ये बता दिया वाक्य, कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा है। अब इस वाक्य में गरिमा बताइए कि संज्ञा शब्द क्या है, कुत्ता, कुत्ता है। क्रिया क्या है प्रथा, भौंक रहा है, ये क्रिया है इसकी, ठीक है। तो अब ये बताइए इसमें अगर हम इसको बहुवचन रूप देंगे तो क्या होगा, आप बताइए, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। सब बोलना जरूरी तो नहीं है, क्या बोलेंगे, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, वचन बदलने से कुत्ता से कुत्ते बन गया, भौंक रहा है से भौंक रहे हैं, लेकिन क्या नहीं बदला है, नहीं नहीं वो तो बदल गया, कौन सा शब्द, तेज नहीं बदला, ठीक है। तो तेज वो शब्द है जो वचन के बदलने से नहीं बदला। तो अभी हमने क्या देखा कि वचन बदलने पर भी लिंग नहीं बदलते हैं और साथ में लिंग बदलने पर भी नहीं बदलते, ठीक है। और इन सारे शब्दों को हम कहते हैं अविकारी शब्द, जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब का कोई भी असर या प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये जो ये होते हैं कई प्रकार के होते हैं जिनको हम अविकारी शब्द कहते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं, चलिए अब हम आपको ये बता दें। अव्यय चार प्रकार के होते हैं, सबसे पहला होता है क्रिया विशेषक, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। कौन सा होता है पहला, क्रिया विशेषक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि। अब इसको भी हम लोग उदाहरण से समझ लें, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या हुआ, जब हम किसी भी, जैसे कि अभी कोई भी एक वाक्य बनाइए, कौन वाक्य बनाएगा, गरिमा कोई वाक्य बनाइए, खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है, वही वाला वाक्य, चलिए अच्छा यही सही। तो खरगोश इसमें क्या हो गया, संज्ञा, क्या कर रहा है खरगोश, तेज दौड़ रहा है। तो क्रिया क्या हुई, दौड़ रहा है, और वो कैसे दौड़ रहा है, तेज। तो ये तेज शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ने की, यानी उस काम की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण, यानी वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। इस चित्र में क्या दिख रहा है, लड़का लड़की, कैसे, लड़का लड़की बोलेंगे, कैसे बोलेंगे,
राम और सीता चल रहे हैं। हाँ, या लड़का और लड़की चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करा तुमने, एक संज्ञा शब्द यानी लड़का, दूसरा संज्ञा शब्द यानी लड़की, इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए तुमने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? और क्या इस्तेमाल किया? और। तो यानी दो संज्ञा शब्दों को या दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का जो शब्द काम करते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समुच्चय बोधक। और ये भी नहीं बदलते, कैसे, अब चाहे लड़का और लड़की चल रहे हैं या इसका बहुवचन रूप बनाइए तो लड़के और लड़कियां चल रही हैं, है ना। यानी इसमें भी वचन बदलने पर और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कौन सा होता है भेद, समुच्चयबोधक, अव्यय या अविकारी शब्द। यहाँ पर भी हमने देखा कि लिंग या वचन के बदलने से कहीं पर भी उस शब्द में परिवर्तन नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, ठीक है। तो यानी एक संज्ञा शब्द है बंदर और पेड़ क्या है, पेड़ दूसरा संज्ञा शब्द है। अब इन दोनों शब्दों के बीच में कौन जोड़ रहा है, कौन सा शब्द जोड़ रहा है, और नहीं, और तो आया ही नहीं, नहीं। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, बैठे पर, ठीक है। तो यानी पेड़ और बंदर इन दोनों के बीच में संबंध कौन सा शब्द बता रहा है, पर। तो ये पर जो है दो संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध बता रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम संबंध बोधक अव्यय, यानी वो अव्यय जो दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में संबंध बताता है, है ना। अब चलो अगर हम इस चित्र को देखें और देख के सबसे पहले क्या निकलता है, गरिमा बताइए। सूरज बहुत सुंदर है। हाँ, सबसे पहले हमने देखा तो क्या, अरे वाह कितना सुंदर सूरज है, है ना। तो ये वाह क्या निकला, यहाँ पर भी वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, वाह कितना अच्छा हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन से अचानक निकलती हैं किसी चीज को देख के, इन शब्दों को हम कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अगर हम मोटे मोटे रूप से पूछे तो क्या हुआ, वो शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल, किसी भी चीज का फर्क नहीं होता, वो किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं अविकारी या अव्यय, ठीक है। और इनके चार भेद आज हमने पढ़े, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादिबोधक। और अब हम अगले कार्यक्रम में बताएंगे आपको इन भेदों के बारे में और वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम लोग अगले कार्यक्रम में जानेंगे।